क्वेश्चन है इंडिया 1 2023 सेट ए का क्वेश्चन नंबर 61 और 62 है। क्वेश्चन कह रहा है लेट ए 1, -1, 2 एंड बी 2, -1, -1 बी द इन पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz -1 = 0। अब आप देखो इस सेंटर लिख रहे हो, ये देखो डायमीटर है, एंड पॉइंट्स है, तो सेंटर क्या हो जाएगा इसका, मिड होगा। तो 1 + 2 = 3/2, ये क्या होगा 1 - 1 + 2 हो जाएगा, ये अब क्या हो जाएगा 2 - 1 1/2 हो जाएगा। ये हमने सेंटर निकाल लिया, और यहां से हम अगर सेंटर लिखें तो क्या हो जाएगा हमारे पास -u - v और -w। अब आप इसके बराबर इक्वेट कर दो तो क्या हो गया यहां से u = -3/2, v = 0 और w = -1/2। सबका सम पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा u + v + w = -3/2 -1/2 which = -2। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर 61 का ए हुआ। तो इस कदर इसे सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ पी कॉम एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इन एनी पॉइंट ऑफ द स्फीयर देन व्हाट इज पी स्क्वायर प्लस पी वी स्क्वायर। आप देखो बहुत आसान है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये पॉइंट पी है। आप जानते हो डायमीटर इज द ओनली कॉर्ड विच सबटेंड 90 डिग्री एट द सर्कमफेरेंस। तो ये आपके पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पूछ रहा है। अब ये देखो 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस स्क्वायर के बराबर ए बी स्क्वायर के बराबर हो गया, पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। पी ए बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ये 2r के बराबर होता है तो 4r स्क्वायर, ठीक है। r अगर यहां से हम लिखना चाहें तो यहां से अगर हम r लिखें तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट 9/4 प्लस 1/4 = अंडर रूट 10/4। यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, 4r स्क्वायर क्या हो जाएगा 10/4 which = 10, ठीक है। तो आपके पास पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपके पास सॉरी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी सॉरी 14/4 अंडर रूट 14/4 या -1 हो जाएगा प्लस 1 ये माइनस सी होता है भी है ना, तो ये 14/4 हो जाएगा। तो फाइनली ये क्या आ गया 14। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर बी हुआ। तो इस कदर इसे सॉल्व करना था।